रांची वालों की दुर्गा पूजा पंडाल को देखने की उत्सुकता को लेकर हम आज आ गए हैं रांची का चंद्रशेखर दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि रांची के सर्जना चौक के पास है। हर साल यहां काफ़ी भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस बार भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा और कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है। अभी आपको लेके चलेंगे इसके अंदर और इसके मेंबर से जानेंगे किस थीम बेस्ड यह पंडाल होने वाला है और इस पंडाल को बनाने में कितने रुपए खर्च किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति विगत 1971 से दुर्गा पूजा महोत्सव को भव्य रूप से करते आ रही है। इस वर्ष भी पूजा समिति के द्वारा भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये फीस फूड फेस्टिवल के रूप में प्रारूप तैयार किया गया है। ये प्रारूप बंगाल के कारीगरों के द्वारा इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य रूप ये जो आप मछली देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका का फिश फेस्टिवल के प्रारूप के रूप में ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली पंडाल है, इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। लकड़ी पत्ता, हुगली पत्ता से इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हमारा जो मूर्ति है, मूर्ति भी बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये पूजा आयोजन के समय बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था भी पंडाल के द्वारा कराया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ के वॉलंटियर खड़ा रहेंगे और गार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की जाएगी। पंचमी के दिन रांची वासियों के लिए, भक्तजनों के लिए हम पूजा पंडाल का अनावरण करेंगे। सभी दर्शनार्थी पंचमी से माँ भवानी का दर्शन कर पाएंगे। पूरे पूजा पंडाल से लेकर पूजा करने में लगभग 30 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। यहाँ माँ देवी का मूर्ति रहेगा। जी जी बिल्कुल। ये जो पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। लकड़ी, हुगली पत्ता और बांस के द्वारा कराया जा रहा है। ये हुगली पत्ता है ना? हाँ। रांची सहित पूरे राज्यवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस पूजा पंडाल में पंचमी से पट का अनावरण होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।